विंध्य पर्वत श्रृंखला में अवस्थित जनपद मिर्जापुर पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन के लिए भी मिर्जापुर को जाना जाता है। मिर्जापुर में मां गंगा के किनारे आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी विराजमान है और पास में ही मां काली और मां अष्टभुजा भी अवस्थित हैं। विंध्य धाम और आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को आकर्षित करता है। पुण्य सलीला मां गंगा और विंध्य पर्वत का संगम विंध्य धाम में होने के कारण ऋषियों ने इसे आद्य शक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान माना। आज की हमारी यात्रा का गंतव्य स्थल है विंध्य धाम, तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ और धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन में हमारे सहयात्री बनिए। चिल्ले स्थित पुल से गुजरते वक्त ही दाहिनी तरफ विंध्य धाम के दर्शन होते हैं। मिर्जापुर शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है विंध्याचल धाम। मिर्जापुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और बहुत ही यहाँ की समृद्ध संस्कृति रही है। यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है, जो खूबसूरती है, वो दर्शनीय है। यहाँ पे कई सारे अच्छे फॉल है और प्रमुख रूप से माँ विंध्यवासिनी देवी जी का मंदिर है, अष्टभुजा देवी जी का मंदिर है, काली खो है। तो ये तीनों जो मंदिर है इनको त्रिकोण के रूप में मान्यता है। तो यहाँ काफ़ी एक समृद्ध संस्कृति है और यहाँ पे एक प्रसिद्ध चुनार का किला भी है जो शेरशाह सूरी और अंग्रेज़ों के ज़माने में प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पे अशोक का अरोरा शिलालेख है, वो भी इस जनपद में है। तो अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें ये जनपद समेटा हुआ है और सभी को इसको आकर के एक बार जरूर देखना चाहिए। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव यानी माँ विंध्यवासिनी धाम में हम पहुंच चुके हैं। आइए धाम का अवलोकन करते हैं। विंध्यवासिनी धाम, इस पवित्र स्थान का उल्लेख पुराणों और उपनिषदों में भी मिलता है। मां विंध्याचल के पांव पखारती मां गंगा का दृश्य अलौकिक है। यहां एक अलग अनुभूति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। ये मां का 51 शक्ति पीठ में एक पीठ ये भी माना जाता है। यहाँ का जो है सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। यहाँ पर जो भी कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है त्वरित इस यहाँ पर माँ के यहाँ सिद्धि मिलती है। भगवती विंध्यवासिनी आद्य महाशक्ति हैं। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरि को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इस महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से जोड़ा गया है। विंध्ये विंध्यादिवासिनी। हरि ओम सवर्णाम भुजमध्यगाम त्रिनयनाम सौदामिनीम सन्निभाम शंखम चक्रवराम भयानिधिम विंध्योकलाम विप्रतिम द्रैवीयांगधार कुंडलधराम माखंडलाम देवी ज्योत्स्नाम ध्यायेत विंध्यनिवासिनीम सस्मुखीम पार्श्वपञ्चाननाम विंध्यस्थाम विंध्यनिलयाम विंध्यपर्वतवासिनीम योगनिम योगमायाम त्वाम चंडिकाम परमाम्यहम। जय भगवती मां विंध्यवासिनी राजराजेश्वरी मैया, सबका कल्याण करो। बोले विंध्याचल माई की। विंध्य धाम से अब चलते हैं काली खो की यात्रा पर और दर्शन करते हैं मां काली का। विंध्याचल नगर से निकलकर काली खो की तरफ आगे बढ़ते ही विंध्य पर्वत श्रृंखला के नयनाभिराम दृश्य दिखलाई पड़ते हैं। ऊंची पहाड़ी और हरियाली मन को मोह लेते हैं।
काली खो मंदिर के लिए जाने वाली टेढ़ी मेढ़ी सर्पीली सड़क से वहां जाने पर नैसर्गिक सौंदर्य के दर्शन होते हैं। यह है विंध्याचल के दक्षिण पश्चिम कोण में स्थित महाकाली जी का मंदिर, जिसे काली खो के नाम से भी जाना जाता है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वाहा जय महाकाली। ये रक्तबीज राक्षस का माँ ने यहाँ संहार करके यहाँ विराजमान हुई है, माँ ने रक्त पानिया की है। जय श्री राम। मैं यहाँ 31 साल से रहता हूँ। यहाँ हनुमान जी बहुत लोग रहते थे। ये माँ विंध्यवासिनी महाकाली जो माष्टभुजा का जो त्रिकोण है, दुर्गा पूजन में जो यंत्र बनता है वही ये यंत्र है। और ये माँ का स्वरूप जो है रक्त बीज वधो देवी चंड मुंड विनाशिनी खो के जैसा माँ का मुख है। यहाँ माँ का बहुत बड़ा महिमा है इनका। इनके आगे कोई नहीं टिक पाता, कोई देवदानव मानो कोई भी नहीं टिक पाता इनके आगे। इनका इतना बड़ा क्रोध है। ये माँ जगदम्बा की बहुत बड़ी कृपा है। जय श्री राम। माँ काली यंत्र के दक्षिण कोण में ऊर्ध्वमुखी होकर विराजमान है। यंत्रस्य दक्षिणे कोणे मुखमूर्ध्य विद्याय सा महाकाली महारूपा संस्थिता परमेश्वरी। माँ महामाया काली का परिक्षेत्र तत्व के आधार पर निर्देशित है। उसमें न तो वहाँ पर पृथ्वी तत्व है और न तो जल तत्व है, सिर्फ आकाश तत्व है। इसलिए माँ का चेहरा भी ऊर्ध्व है। और ज्यों ही पहाड़ पर आप चढ़ेंगे तो न तो यहाँ जल मिलेगी न पृथ्वी मिलेगी, सिर्फ वायु मिलेगा। इसलिए योग माया है, इसे योग माया कहा जाता है। महाकाली धाम से आइए अब चलते हैं अष्टभुजा धाम। यहाँ माँ भगवती विंध्य पर्वत के शिखर पर विराजमान है। पहाड़ पर ऊपर चढ़ने वाली सड़क और प्राकृतिक दृश्य पर्वतीय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यह है मां अष्टभुजा धाम। महाकाली मंदिर के पश्चिमोत्तर कोण में विंध्य पर्वत के गंडशैल पर विराजमान हैं भगवती अष्टभुजा, जिनके आठों भुजाओं में धनुष, शूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र व गदा सुशोभित है। गृहे जाता यशोदा गर्भसंभवा ततस्तौ नाशयिष्यामी विंध्याचल निवासिनी विंध्यस्थां विंध्यनिर्यां विंध्यपर्वतवासिनीं योगिनीं योगमायास्त्वां चंडिकां प्रणमाम्यहम्। ये भगवान श्री कृष्ण की बहन माँ योग माया अष्टभुजा, जो कंस के हाथों से छुट्टी कन्या और बोली, ए दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला गोकुला में पैदा हो चुका है, मैं विंध्याचल पर्वत पर वास करने चली। यहाँ त्रिकोण बिंदु पर तीन देवियाँ हैं। विंध्याचल में आदिशक्ति महालक्ष्मी माँ विंध्यवासिनी, कालीखो में रक्तबीज का रक्तपान करने वाली माँ महाकाली, और ये अष्टभुजा महासरस्वती के नाम से भी जानी जाती हैं। तीनों देवियों के त्रिकोण का ही महत्व होता है। माता का बहुत महत्व सुना गया है अपने पूर्वजों से, आज भी चर्चा होती है गाँव देहात में घर में, तो उसी उसमें हम लोग दर्शन करने आए हैं, माता का आशीर्वाद लेने आए हैं कि हमारा दुख दरिद्रता दूर करे, सुख शांति दे माता। अष्टभुजा मंदिर और आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। अष्टभुजा मंदिर के पास ही एक भव्य तालाब और शिव मंदिर है।
तालाब और मंदिर के आसपास का वातावरण बेहद खूबसूरत और मनोरम है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पिकनिक मनाने भी आते हैं। यहाँ आने के बाद लगता है कि हम लोगों को घूमने के लिए काफ़ी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ आने के बाद ऐसा फील हुआ कि इतनी शांति यहाँ है और लोकेशन का जो नेचुरल नज़ारा है वो मुझे इसके पहले कभी फील नहीं हुआ। कई जगह आया गया और थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अगर इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो फ्यूचर में ये एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हो जाएगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन अच्छा हो जाएगा। दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा स्थल है ये, मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने, सो काफ़ी अच्छी जगह है। श्रद्धालु यहाँ आस्था के साथ प्रकृति का दर्शन करते हैं, वे आराधना के साथ पर्यटन का भी आनंद लेते हैं। ये पूरा विंध्य धाम मनोकामना के साथ दिल को सुकून देता है। ये तीनों महाशक्तियाँ तीन बिंदु पर स्थापित हैं, जिसमें सबसे पहले महालक्ष्मी परिक्षेत्र है, दूसरा महाकाली जहाँ पर केवल पृथ्वी तत्व का समावेश है, फिर हम ऊपर चढ़ते हैं सिर्फ वायु वायु हमें मिलता है, और फिर नीचे हम चले जाते हैं तो जल ही जल रहता है। इसी से तीनों क्षेत्र की कल्पना करके ये परिक्षेत्र बनाया गया। आज भी इसमें रहस्य और रोमांच देखने तमाम घटनाएं देखी जाती हैं और सुनी जाती हैं, योगियों का यहाँ परोक्ष दर्शन होता रहता है। विंध्य धाम में पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से काली खो एवं अष्टभुजा मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे की शुरुआत की गई। पर्यटन विभाग का ये प्रयास पर्यटन की दृष्टि से रोचक व यादगार बनाने के लिए अष्टभुजा और काली खो की रोपवे यात्रा को नई तकनीक से लैस किया गया है। विंध्य धाम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इसका निर्माण कराया गया है। माँ अष्टभुजा मंदिर पर श्रद्धालुओं के सुविधा की दृष्टि से पर्यटन विभाग द्वारा ट्रिपल पी मॉडल पर रोपवे का निर्माण कराया गया है, जिसके माध्यम से वृद्ध एवं अशक्त श्रद्धालुओं को इसका विशेष लाभ मिल पाएगा और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और आकर्षण का एक नया केंद्र जो है रोपवे के रूप में दिख रहा है, और जो यहाँ पर्यटक और श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें बड़ा उत्साह है इस बात को लेकर के। सड़क के रास्ते दोनों मंदिरों तक जाने में प्रकृति के अद्भुत नजारे नहीं दिखते थे, रोपवे की सुविधा मिलने से अब पर्यटक सुरक्षा के साथ हरियाली ओढ़े पहाड़ियों के नैसर्गिक सौंदर्य को देख पाएंगे, या यूं कहें श्रद्धालु आस्था के साथ प्रकृति के दर्शन कर पाएंगे। अष्टभुजा मंदिर के लिए जो रोपवे बनाया गया है इसमें सेफ्टी के दौर पे जो है कि जब यात्रियों को हम बैठा लेते हैं उसके बाद इसके ऑटोमेटिक गेट हैं अपने आप ये लॉक हो जाते हैं, और दूसरे स्टेशन पे पहुंचते ही ये अपने आप जो है कि खुल जाते हैं। बीच में या और ये प्लांट का जो है कि पर डे प्लांट चालू करने से पहले जो है कि इसकी चेकिंग की जाती है, टावर से लेकर के ड्राइव स्टेशन से लेकर के बुलबिल से लेकर सारी चीज़ों को जो है कि चेक करके उसके बाद हम प्लांट को ऑपरेट करते हैं। रोपवे सुविधाजनक है, रमणीय है, दर्शनीय है, बैठने वालों के लिए भी और देखने वालों के लिए भी। रोपवे से लगभग 260 मीटर की ऊंचाई से विंध्य धाम की छटा देखते ही बनती है। आगंतुक श्रद्धालु इस मनोहारी दृश्य को देखकर अभिभूत हो जाते हैं। माँ विंध्यवासिनी के धाम में जो श्रद्धालु आते हैं वह श्रद्धा के साथ पूजन दर्शन तो करते ही हैं, साथ में यहाँ की जो मनोरम वादियाँ हैं, जो मनोरम यहाँ के वृक्ष हैं, यहाँ के पर्वत हैं, उनके बीच में आकर के अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं, और परिवार के साथ आकर के यहाँ बहुत अच्छा एक समय वह अपना व्यतीत करते हैं, जिसमें श्रद्धा के साथ साथ आनंद की भी अनुभूति उनको प्राप्त होती है। विश्व प्रसिद्ध माँ विंध्यवासिनी की नगरी को भी संवारने का काम शुरू कर दिया गया है। मंदिर तक जाने के लिए संकरे रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है।
मंदिर से गंगा को जाने वाले पक्का घाट मार्ग का भी विंध्य कॉरिडोर के अंतर्गत चौड़ीकरण किया जा रहा है। यह मार्ग लगभग 35 फीट चौड़ा व 200 मीटर लंबा होगा। कॉरिडोर के निर्माण से श्रद्धालु विंध्यवासिनी मंदिर से ही गंगा दर्शन कर सकेंगे, यानी मां विंध्यवासिनी के साथ अब मां गंगा भी एकाकार होंगी। शासन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इसको बनारस में जो काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर है उसकी तर्ज पे इसको विकसित किया जाए, और इसका कार्य हमने दिसंबर 2020 से शुरू किया है। और इसमें मंदिर के चारों तरफ 50 मीटर का एक कॉरिडोर बनाया जाना है, और मंदिर के जो मुख्य मार्ग थे चारों पांचों जो सड़कें जिनकी चौड़ाई मात्र 8 फीट से 15 फीट के बीच में थी, उन सभी सड़कों को 35 से 40 फीट की चौड़ाई की हमने कर दी है। और जो कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है वो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, और पर्यटन की दृष्टि से भी उसमें जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए सभी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होगी। मंदिर के चारों तरफ विंध्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। विंध्याचल मंदिर के सुंदरीकरण में विंध्य परिपथ, संग्रहालय, आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, पार्क, गेस्ट हाउस और पर्यटक स्थल का निर्माण किया जाना है। इस विंध्य धाम कॉरिडोर का शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह ने किया था। इस विंध्य धाम कॉरिडोर के बन जाने से श्रद्धालुओं को माता के दर्शन पूजन में सहूलियत मिल जाएगी, साथ ही विंध्य कॉरिडोर से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। विंध्य धाम और आसपास के धार्मिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थानों की ये यात्रा यहीं पर संपन्न होती है। फिर मिलेंगे किसी और यात्रा में, तब तक के लिए अनुमति।